नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद। और आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसे समझना जरूरी है ताकि हम लोग कैलकुलस में और नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के नंबर्स होते हैं, इनको समझने के लिए, और इसी से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोगों को निकल कर आ सकते हैं। तो अगर हम लोग नंबर्स को समझें टू डायमेंशनल फील्ड में, 2D में अगर हम लोग समझें, तो नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर इसी का हम लोग एक फ्लो चार्ट की तरह बनाएं, एक चार्ट की तरह बनाएं, तो हम लोग किस तरह ले सकते हैं। तो नंबर्स जो है ये पहले तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, फिर होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग रियल नंबर के अंदर समझेंगे कि हम लोगों का किस किस तरह का नंबर होता है। तो यहां पर दो तरह के हमारे नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में दो तरह का हम लोग देखेंगे, एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, और उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर में देखेंगे तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे इंटीजर, फिर फ्रैक्शन और जीरो। इंटीजर, फ्रैक्शंस, ठीक है, और तीसरा होता है जीरो। तो इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो हम लोग समझेंगे, यहां पर हम लोग नीचे समझना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या होता है। इंटीजर, फ्रैक्शंस, जीरो क्या होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, और फिर ये रियल नंबर का पार्ट है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं रियल नंबर का पार्ट है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, फिर रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो इस नंबर सिस्टम की वीडियो में हम लोग ये इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर होगा, हम लोग रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और उसके टाइप्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इस तरह से नंबर का हम लोगों का सिस्टम फैला हुआ होता है। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से, जिसमें फिर जीरो आता है, फिर होल नंबर हम लोग देखेंगे क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना ही होगा पहले नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का जो पार्ट है वो पढ़ने के लिए, इंटीजर्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को नेचुरल नंबर को भी जानना जरूरी होता है। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 से लेके कितना भी इंफिनिटी तक जो जाता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये जो नंबर होता है इसको हम लोग यूजुअली काउंट करते हैं और ये इंफिनिटी तक के लिए जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी, तो इसको क्या कहेंगे, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होगा जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से जाएगा। अब नेक्स्ट तरह का नंबर आता है होल नंबर आता है, ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर किसको कहते हैं, ये भी नेचुरल नंबर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बस क्या अंतर आता है कि इसमें हम लोगों का जीरो भी इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में याद रखिएगा हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे और इसमें क्या हम लोग ऐड कर देंगे, जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब हम लोग यहां पर जीरो को भी लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इस तरह से शुरू होगा,
जीरो वन टू थ्री फोर से लेके नेचुरल नंबर की तरह ही ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब जीरो लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। अब हम लोग नेचुरल नंबर में देख लिए वन से शुरू होता है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स को समझने से पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर और होल नंबर समझना जरूरी था। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स इसी में आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। जैसे यहां नेचुरल नंबर से होल नंबर में जीरो आ गया, इसमें याद रखिए कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आएगा। वहीं जब हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहां पर सारा का सारा होल नंबर तो होगा ही होगा, साथ ही नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 तो आ ही जाएगा, 0, 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक, ये तो हमारा होल नंबर था ही। अब क्या बोल रहा है कि इसमें नेगेटिव पार्ट भी आ जाएगा, तो -1, -2, -3, -4 से लेके ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो जब हम लोग नेगेटिव पार्ट को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये इंटीजर है। अब जो सारा इंटीजर होता है, हम लोग क्या देखें कि इंटीजर्स जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आप लोगों का क्लियर होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑल इंटीजर्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, जो भी इंटीजर्स है, ठीक है, जो भी इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स बिलोंग टू रैशनल नंबर। हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों का क्लियर होगा कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर, अब देखिए रैशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, रैशनल नंबर अगर किसी भी नंबर को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, और पी और क्यू दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है मतलब ये निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। अगर दोनों इंटीजर है मीन्स पी एंड क्यू आर इंटीजर, और अगर q इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। मतलब ये हमारा जो डिनोमिनेटर है p बाई क्यू में, ये q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कभी जीरो नहीं होगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर आए नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड रैशनल है, ये वर्ड रैशनल आया कहां से, ये जो वर्ड रैशनल है, रैशनल वर्ड ये आया है वर्ड रेशियो से, याद रखिएगा ये रेशियो से आया है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यू के बीच में, दो इंटीजर के बीच में, जिसको हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो फ्रैक्शन जिस टाइप का होता है उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर को हम लोग ग्राफिकली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा नंबर कहां आता है, अगर हम लोग ग्राफिकली इसको डिनोट करना चाहें तो। तो ग्राफिकली सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक चला जाएगा। इसको मान लीजिए एक सर्किल में ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, हम लोग का जीरो इंक्लूड होता है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि ये होल नंबर है। तो होल नंबर में क्या होगा, जीरो वन
टू से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये हो गया होल नंबर। तो होल नंबर के ही अंदर हम लोग देख रहे हैं नेचुरल नंबर भी आता है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या ऐड हो जाता है, इंटीजर्स में निगेटिव क्वांटिटीज जो होती है वो ऐड हो जाती है। जैसे जीरो इसका आ सकता है, माइनस वन आ सकता है, माइनस फोर आ सकता है, और पॉजिटिव भी रहेंगे जैसे टू आ सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये इंटीजर्स हो गए। और ये सारे जिसमें होंगे उसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर में हम लोगों का जो होता है डिवीजन भी आ जाता है, डेसिमल का पार्ट भी आ जाता है। तो जैसे 2/3, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। 7/8 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। 3.4 अगर लिखते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। तो रैशनल नंबर में हम लोग डेसिमल में प्लस जो फ्रैक्शन में होता है उसको भी हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा इस पार्ट में आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर का ही पार्ट है, होल नंबर इंटीजर्स में आता है, और इंटीजर्स जो होता है वो रैशनल नंबर में आता है। अब आगे हम अगर हम लोग एग्जाम्पल्स में समझना चाहते हैं तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं रैशनल नंबर का, किस तरह से हम लोग रैशनल नंबर बता सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 एक इंटीजर है, 4 हमारा दिया हुआ है जो कि एक इंटीजर है। अब ये रैशनल नंबर इंटीजर होने के साथ साथ ये रैशनल नंबर भी हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें डेसिमल नहीं लगाते हैं तो हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं जो कि एक फ्रैक्शन में है तो भी ये रैशनल नंबर हो जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं -8/-2 तो भी क्या होगा, इसको माइनस निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, 2/4, तो इसका फिर से आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते थे। किस तरह से हम लोग लिख सकते थे, -8/2, तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। वही अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लें 1/5, तो 1/5 का क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.2। 0.2 कैसे आएगा, मान लीजिए 1 है, 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पहले डेसिमल लेंगे तब यहां 0 आएगा, और ये 2 से डिवाइड होता है तो 10.0 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 0.2 एक डेसिमल में आएगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर होगा, नहीं, ये इंटीजर हमारा नहीं होगा क्योंकि हम लोग डेसिमल को या फ्रैक्शन को इंटीजर में नहीं लेते हैं, ये याद रखिएगा। हम लोग रैशनल नंबर में डेसिमल या फ्रैक्शन को लेते हैं। अब जो हम लोग का डेसिमल फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम लोग देखते हैं कि ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, कोई रिपीटिंग होता है, कोई रिपीटिंग नहीं होते हैं, हर बार डिफरेंट उनका रिजल्ट आता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल से कि सपोज हमारा कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है 5/6, ठीक है। तो 5/6 अगर हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/6 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, ये छोटा है, तो इसमें हम लोग को 0 लगाना होगा, तो एक डेसिमल लेते हैं 0। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना, जो इससे 50 से कम हो, तो 6/8 = 48 कितना बचा, 2। अब फिर से क्या होगा, फिर से 2 कम है तो हम लोग 0 ले लेते हैं यहां। अब 0 लेंगे तो कितना होगा, जो 20 से कम होगा, 3, तो हम लोगों का फिर ये 18 आ जाएगा। फिर 2 आएगा, फिर 3 लेंगे, ठीक है, फिर 18। तो यहां पर क्या होगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। हम लोग देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा, 0.8333 इस तरह से हमारा आता चला जाएगा। तो जब हम लोगों का 3 3 हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो वैसा रैशनल नंबर जिसका बार बार रिपीट होता रहे तो उसको हम लोग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे इसको, रिपीटिंग, ऐसा रैशनल नंबर को हम लोग कहेंगे
रिपीटिंग, ठीक है। अब ऐसा रैशनल नंबर जिसमें रिपीट नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 1/5 का, तो इसका सीधा हम लोगों ने क्या देखा था, रिजल्ट 0.2 आ रहा है। तो जब 0.2 आ रहा है तो यहां पर कोई रिपीटेशन इस तरह का, तो यहां पर रिपीटेशन है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। याद रखिएगा, जहां पर हमारा रिपीटेशन कुछ वैल्यूज का नहीं हो रहा है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, और जहां रिपीट हो रहा है उसको हम लोग रिपीटिंग कहेंगे। हम लोग और भी एग्जांपल्स आगे देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग एक लाइन के थ्रू, न्यूमेरिकल लाइन के थ्रू समझेंगे कि वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, और रैशनल नंबर और रियल नंबर में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर का ही पार्ट है हमारा रैशनल नंबर। तो अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें जीरो है, इधर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा और इधर हमारा निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एक लाइन दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग सारे को देख के क्या बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है इंटीजर हैं। और अगर जीरो को हम लोग लें, जीरो को अगर हम लोग लेते हैं तो सारा 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3 और -4 ये सारे जीरो से जो है इक्वल डिस्टेंस के बीच में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने डिस्टेंस पे हमारा 3 है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा -3 भी है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू। जितने दूरी पर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर 3, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहेंगे नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो उसका वैल्यू हम लोग सिंबल में लिखते हैं, तो उसको हम लोग मॉड के अंदर लिखते हैं। मॉड के अंदर लिखने का मतलब है कि उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे हम लोग निगेटिव की तरफ भी क्यों नहीं लिखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि सपोज कोई एक्स वैल्यू है, ठीक है, एक्स कोई वैल्यू है 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, एक्स कोई वैल्यू है, तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम जीरो अगर हम लोग देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको जो डिनोट करेंगे हम लोग, किससे डिनोट करेंगे, हम लोग मॉड से डिनोट करेंगे। तो मॉड से क्या हो जाता है, इसका वैल्यू जो होता है हम लोगों का पॉजिटिव आता है। अगर दो नंबर, सपोज हम लोग ले लेते हैं -2 और 2, ठीक है, -2 ले लेते हैं और अगर 2 ले लेते हैं, तो अगर दो नंबर अगर हम लोग जीरो से देख रहे हैं, जिसको एग्जांपल में ले लेते हैं -2 और 2, अगर हम लोग इसका जीरो से डिस्टेंस देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम आता है। और अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ओपोजिट्स। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपोजिट्स कहते हैं, ठीक है। अब ओपोजिट क्या होता है, ओपोजिट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो हमेशा सेम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको मॉड में लेते हैं, जो कि हम लोग यहां देखे थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू का पॉजिटिव में होगा तो -2 पर जाएगा या 2 पर जाएगा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। अब रैशनल नंबर के बारे में और दूसरा स्पेसिफिक फीचर्स क्या है कि रैशनल नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं और कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये सब रैशनल नंबर के साथ कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर रैशनल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी रैशनल नंबर से, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इफ रैशनल नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय जीरो इट्स वैल्यू विल बी अ रैशनल नंबर।
ठीक है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर ही है, तो जीरो से यहां हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर जीरो से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो रैशनल नंबर नहीं आएगा। अब हम ये हो गया रैशनल नंबर के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि किसको हम लोग कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है और किसको कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब अगर इरेशनल नंबर का हम लोगों को एग्जाम्पल समझना है तो इसमें क्या होता है कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आता है। जैसे हम लोग देखे थे रैशनल नंबर में कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जहां पर कि कोई रिपीटेशन नहीं आएगा और उसको हम लोग को पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। वहीं हम लोग जब देखे थे 5/6 का एग्जांपल, तो उसमें क्या देखे थे 0.833333 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था बार बार, तो वैसे को हम लोग क्या कहते थे, रिपीटिंग कहते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉन रिपीटिंग होगा और इसका कोई वैल्यू भी नहीं आएगा। जैसे सपोज अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें अंडर रूट 8 का, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 2.8284, इस तरह से हम लोगों का रिजल्ट आता है। तो इस तरह का जब रिजल्ट आएगा तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का। अब इरेशनल नंबर का और एग्जांपल हो सकता है जैसे पाई, पाई आप लोग सर्किल में पढ़े होंगे जिसका वैल्यू होता है 22/7, इसका भी हम लोग देखेंगे जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो नॉन रिपीटिंग होता है, और नॉन रिपीटिंग होने के कारण उसका हम लोग कोई रैशनल नंबर में हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर हो जाता है। तो अगर हम लोग इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को साथ में ले लें तो उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक ही इरेशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू रैशनल नंबर आ सकता है। जैसे अगर अंडर रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर हम लोगों का आ सकता है। अब ये जो इरेशनल नंबर का कंसेप्ट था ये आया कहां से? अब पाइथागोरस के एक स्टूडेंट थे हिप्पास, याद रखिएगा नाम HIPPAS। ये हिप्पास जो पाइथागोरस के स्टूडेंट थे, ये डिस्कवर किए थे इरेशनल नंबर को। और ये किस तरह से डिस्कवर किए थे, ये क्या चाह रहे थे, ये फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे थे रूट अंडर 2 को, ठीक है, इसको ये फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे थे लेकिन ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे थे। और इसको नहीं करने के कारण ये क्या किए, अंडर रूट 2 को अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसका वैल्यू 2 निकाल के डाल दिए। यहीं पर से इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आया। अब सपोज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा हमारा रैशनल नंबर या कौन सा हमारा इरेशनल नंबर होगा, तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला है रूट अंडर 625, ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है रूट अंडर 3, थर्ड है हमारा 1/3, और फोर्थ है हमारा 2.78, ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है। तो इसमें अब हमको बताना है कि कौन सा रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो 625 का स्क्वायर रूट, तो हम लोग जानते हैं कि 25 × 25 क्या होता है, वो 625 होता है, तो 25 × 25, तो इसको हम लोग 25 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब इसका ये कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अब रूट अंडर 3, अब रूट अंडर 3 का क्या वैल्यू आएगा, और आप लोग वैल्यू निकाल के देखिए,
तो रूट अंडर थ्री का अगर हम लोग वैल्यू निकाल के देखें तो ये आता है 1.7320, इस तरह से हमारा वैल्यू आता है। तो इस तरह का वैल्यू आएगा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि कोई रिपीटिंग नहीं है, तो यहां पर ये कौन सा हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे फॉर्म में, किस चीज के, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, यहां रिपीटिंग भी नहीं है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। अब 1/3, अब 1/3 को अगर हम लोग देखें, ठीक है, 1, 3, 0, तो 3 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 0.333 आता रहेगा। इसका मतलब यहां पर कि रिपीटिंग आ रहा है, तो रिपीटिंग हम लोग किसमें लेते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं एग्जांपल में कि वो रैशनल नंबर में आएगा, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और अगर 2.78 लेते हैं तो इसको हम लोग देख चुके हैं कि ये जो डेसिमल में आता है वो सारा किसमें आ जाएगा, ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रियल नंबर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। आगे नंबर सिस्टम के वीडियो में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।